मिलन में मेरे साथ खास मेहमान रुजुता दिवेकर। आप बताती हैं कि ठीक से खाना चाहिए, ठीक से खाने का क्या मतलब है? ठीक से खाने का यही मतलब है कि जो सीजन में है वही खाए, जो आपके किचन में बने वही खाए, और ऐसी ही चीजें खाए जो लोकली ग्रो होती हो। ऐसी वाली ना खाए जो बहुत दूर तक से ट्रैवल करके आपके प्लेट पे लैंड होती है। दूर से मतलब किनवा ना खाएं? किनवा ना खाएं, दाल चावल खाएं, रोटी सब्जी खाएं, बाजरा ज्वार नाचने की भाकरी खाएं, गिलका दूधी पम्पकिन ऐसे सारी सब्जियां खाएं, तो जो अपने आजू बाजू में ग्रो होता है वही खाएं। आजकल हम लोग हर एक बिजनेस में बहुत सारा सस्टेनेबिलिटी का बात करते हैं या क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, लेकिन एज इंडिविजुअल्स भी कभी कभी हम लोग क्लाइमेट चेंज को बढ़ाते हैं जब हम बहुत दूर से आई हुई चीज़ें खाते हैं, और क्लाइमेट चेंज को हम लोग नियंत्रण में रखते हैं जब हम सिर्फ लोकल खाना खाते हैं जो जब सीजन में हो तभी खाते हैं। और आप कहते हैं कि चीनी खाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि चीनी कम, बहुत कम खाएं। दैट्स ट्रू। मुझे लगता है कि बहुत बार ये हो जाता है कि हम सिर्फ एक चीज़ को लेके उसको विलन या उसको मसीहा बना देते हैं। जैसे चीनी की ही बात ले लो, तो सदियों से पंचअमृत में हमारे यहाँ पे दूध दही उसके बाद चीनी और शहद, ये सारी चीज़ें हम लोग पंचअमृत में काउंट करती है, लेकिन आजकल वेट लॉस इंडस्ट्री ने इन सबको ही ऑलमोस्ट विलन्स बना दिया है। तो चीनी जब आपको दिखती है, जब वो कढ़ा प्रसाद में जाती है या ईद के फिरनी में जाती है या क्रिसमस के केक में जाती है, या आप खुश हो इसीलिए, या आपको एग्जाम में जाना है और आपको जब कोई दही शक्कर खिलाता है तो वो वाली शक्कर अच्छी है, लेकिन जो कोलाज में से आती है, जो बिस्किट में से आती है, जो आइसक्रीम्स में से आती है, जो चॉकलेट्स में से आती है, वो वाली शक्कर आपको अवॉइड करनी चाहिए। और उसमें से सिर्फ शक्कर नहीं, वो सारा खाना ही आपको अवॉइड करना चाहिए। एक तरफ हम लोग स्वच्छ भारत की बात करते हैं, दूसरे तरफ हम लोग पैकेट में से इतना खाते हैं कि कैसे होगा भारत स्वच्छ अगर हम कॉन्स्टेंटली पैकेट्स में से खाएंगे। तो एक मोटी बात जो मेरे समझ में आ रही वो ये कि पैकेज खाने से बचें। एक खाने की जब हैबिट्स की बात होती है तो ये कहा जाता है, और मैं डॉक्टर सरीन की बात कर रहा था, डॉक्टर सरीन जो ILBS, वो ये कहते हैं कि आप खाना खाने के बाद करीब 40 मिनट तक पानी न पिए, ताकि आपके जितने भी जो खाना पच रहा है सारे उसमें वहाँ ठीक से पचे। आप इसके पक्ष में हैं कि आप क्या कहती हैं इस पर? मैं तो यही कहती हूँ कि एक तो जब भी कोई फूड एडवाइस की जब बात हो तो हमेशा आपके दादी और नानी की ही सुननी चाहिए, और किसी डॉक्टर और डाइटिशियन की नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी सारी खाने की परंपराएं हैं और हमारे यहाँ पे सारा जो खाने के बारे में ज्ञान है ये फाइन ट्यून्ड है, हमारे जेनेटिक्स के हिसाब से, हमारे रीजन के हिसाब से, हम किस वक्त खा रहे हैं, लंच खा रहे हैं या डिनर खा रहे हैं उसके हिसाब से। तो शायद मुझे मेरे घर पे जो फूड एडवाइस मिले वही एडवाइस आपको टोटली वैसे ही आपके घर में ना मिले। तो मुझे मेरे दादी के हिसाब से खाना चाहिए, आपको आपके दादी के हिसाब से खाना चाहिए, तभी हम दोनों सेहतमंद रहेंगे। तो मोस्टली जो है जब हमारे खाने में पानी की मात्रा कम होती है, और वो मोस्टली तभी कम होती है जब हम ज़्यादा पैकेज्ड और प्रोसेस्ड खाते हैं। जैसे अगर आपने पिज़्ज़ा और बर्गर खाया तो आपको उसे गले से उतारने के लिए ही शायद किसी कोला या एरेटेड ड्रिंक की ज़रूरत पड़ती है, तभी लोग ज़्यादा पानी पीते हैं। अगर आप रेगुलर रोटी सब्जी दाल चावल खाते हो तो वो हाइड्रेटिंग मील ही है, तो अगर आपने पानी पिया भी तो आप कुछ सिप्स पानी पीते हो, आप गट 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 आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि पिज़्ज़ा से भी बचें? मैं ये कहती हूँ कि जो भी आपके किचन में ना बनता है उसी से आप बचिए। मेरा ये भी मानना है कि हमारे स्कूल्स में से ही एग्रीकल्चर और कुकिंग ये दोनों सिखाए जाने चाहिए, स्पेशली इंडियन मर्दों को, ताकि जब हम शादी करें या हमारे घर में यू नो ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ मेन और वुमेन रहते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खाना बनाने की औरतों के पास ही रहती है। तो जब हम ये कहते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, जब तक हमारे मर्द किचन में नहीं आएंगे तब तक हम लोग नहीं बचेंगे। इसलिए अगर आप देखेंगे तो मोस्टली लड़कियों की शादी करते ही यू नो हमारे वजन बढ़ जाते हैं, हमारी कमर फूल जाती है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी पूरी उनके हस्बैंड्स पे, आई ब्लेम देयर हस्बैंड्स। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैं बहुत सारे मर्दों को जानता हूं पर मैं किचन में रहता हूं। वेरी गुड। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं अगला सवाल कि
ये जो लोग उठते हैं और ये समस्या मेरे को कभी नहीं होती, मैं देखता हूँ क्योंकि हम लोग शूट पे जाते हैं, चाय पे चाय पीते हैं सुबह उठते ही, क्योंकि उनका दिन का काम ही नहीं चलता। बिल्कुल, ऐसे लोग क्या करें, क्या चाय पीना सही है, चाय और सिगरेट कहाँ तक सही है और उसके लिए बचाव क्या है? चाय और सिगरेट से दिन की शुरुआत करना मेरे हिसाब से इससे बुरी और कोई चीज़ नहीं है। जब मैंने पहला मेरा बुक लिखा था डोंट लूज योर माइंड लूज योर वेट, तो मेरा पहला प्रिंसिपल ही यही था कि दिन की शुरुआत चाय से मत करो। तो मेरे एडिटर ने मुझे बोला अभी एक भी बुक नहीं बिकेगी तुम्हारी अगर यही तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल है, पर बुक काफ़ी बिकी। और उसका रीज़न ये है कि अगर आप सुबह उठते ही, जैसे समर्स में आप जो लोकल फ्रूट है उसी से शुरुआत कीजिए, जैसे बनाना हमेशा सीजन में रहता है तो सुबह उठते ही आप बनाना से शुरुआत कर सकते हो, और विंटर्स में आप ड्राई फ्रूट्स के साथ शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपने चाय पिया तो ठीक है, लेकिन अगर सुबह उठते ही आपको चाय पीने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसका मतलब ये है कि कोई ना कोई मेटाबॉलिक बीमारी आपके शरीर में इस वक्त बढ़ रही है। तो टाइम पे सोने पे भी ध्यान दें। आजकल लोग ये करते हैं कि ऑलमोस्ट रात को सोने तक टीवी देखते हैं, और एक बार टीवी बंद हो गया तो फिर व्हाट्सएप पे लग जाते हैं, दूसरे लोगों का लास्ट सीन देखते हैं व्हाट्सएप पे। तो ऑब्वियसली अगर ये सब करेंगे तो नींद नहीं आएगी, अगर नींद नहीं आएगी तो सुबह उठेंगे नहीं, फिर खुद को उठाने के लिए चाय की ज़रूरत पड़ती है, तो एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो आप क्या कह रहे हैं कि रात को व्हाट्सएप, अपना मोबाइल फोन दूर रखें, टीवी बंद करें? बिल्कुल। तो क्या और करें? एबीपी चैनल और सब कुछ, सारे चैनल्स बंद करें एक घंटे। आप चैनल पे हैं पर आप चैनल को बंद करवा रही हैं, पर रात को दिन में तो आप भी जो रिपीट से लगाते हो ना, रात को क्या लगाते हो आप, है ना? तो आप क्या कह रही हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको किताब पढ़ते ही नींद आती है, क्या किताब पढ़ना ठीक है? किताब पढ़ना ठीक है, लेकिन ऐसी ही किताब पढ़नी चाहिए जिसके ऊपर लाइट गिर रहा हो, वो वाली किताब नहीं। आजकल हम लोग किंडल, आईपैड, हाँ, जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है वो वाली अगर हम लोग किताब पढ़ेंगे तो फिर उससे हम लोग ज़्यादा अलर्ट और एक्टिव हो जाते हैं। अगर लाइट जिस पर गिर रहा है, जैसे पुस्तक हम लोग जो रेगुलर पढ़ते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो हम जैसे हैं, जैसे जो पत्रकार हैं, जिनका कोई समय बनता नहीं है, भाग दौड़ पता चला रात को स्टोरी है तो आप रात भर जगे हुए हैं, आपका टाइम टेबल नहीं है, ऐसे लोगों को किस तरह का खाना खाना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? चाय और सिगरेट से दूर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। हर एक प्रोफेशन, मतलब सारे प्रोफेशंस में सबसे वर्स्ट ईटिंग हैबिट्स मीडिया प्रोफेशनल्स की ही रहती है। पार्टली ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, और पार्टली ये है कि एक सिस्टम ही बन गया है कि खाने का ब्रेक ना ले, चाय ले, बिस्किट ले, कॉफ़ी ले, और वो फ्री फ्लोइंग रहता है हमेशा। जैसे सेट्स वेट्स पे भी मैंने देखा है कि चाय आता रहता है, तो इंस्टेड ऑफ चाय अगर फ्रूट आएगा, अगर पीनट्स या मूंगफली आएंगे, अगर नींबू शरबत आएगा या कोकम शरबत आएगा या बेल शरबत आएगा, तो जो हम देखते हैं कि एंकर की एक शुरुआत हुई 10 साल पहले, उसके बाद में वो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वो नहीं होएगा। यू नो, दे विल ऑक्यूपाई लेसर एंड लेसर स्पेस ऑन द स्क्रीन। पर उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले से ही आपका खाना प्लान करो। लंच अगर आपको लग रहा है, बिकॉज बहुत से बार मीडिया प्रोफेशनल्स का ये हो जाता है कि लंच 3 बजे के बाद ही होता है दोपहर के, तो फिर 12:30-1 बजे कोई बनाना या आम, कोई होलसम फ्रूट खा लो, ताकि जब आप लंच खाओ तो आप इतना ओवर ईट ना करो उसे। तो काफ़ी सारी छोटी छोटी टिप्स है जो हम मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए भी कर सकते हैं। आपने टिप्स की बात की, तो एक टिप ये कहा जाता है कि भाई आपको रात के वक्त चावल नहीं खाना चाहिए, रात के वक्त दही नहीं खानी चाहिए, और वजह बताई जाती है कि इनकी तासीर दरअसल में ठंडी होती है, रात को हजम, आप इसे सही मानती हैं? पूरे इंडिया में लोगों के साथ काम करती हूँ, और आपने ये जो बताया कि रात को राइस नहीं खाना चाहिए, ये मोस्टली मैंने देखा है कि नॉर्थ इंडिया में ये बहुत कहा जाता है कि आपको रात में राइस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फिर उससे आपका बहुत ठंडा हो जाता है, आपकी प्रकृति काफ़ी ठंडी हो जाती है। और जैसे हम लोग मुंबई से है या साउथ इंडिया से है, हम लोग रात को राइस ही टिपिकली खाते हैं। तो आप जिस रीजन से आते हो, वहाँ पर जो क्लाइमेट है, वहाँ पर जितना रात को टेम्परेचर डिप होता है, उसके हिसाब से
हमारी खाद्य संस्कृति बनती है और उसको हम जहाँ तक फॉलो करें वो हमारे लिए बेहतर रहता है। जितना हम लोग अपने खाने के संस्कृति के हिसाब से चलेंगे उतना हमको कम मेडिसिंस का उपयोग करना पड़ता है, नहीं तो यही हो जाता है आजकल के सोने के लिए एक दवाई, ब्लड शुगर रेगुलेट करने के लिए दूसरी दवाई, सुबह उठने के लिए तीसरी दवाई। ये सब तभी होता है जब हम घर पे हमारे जो एल्डर्स है या दादी नानी जो हमको घरेलू नुस्खे देते हैं जब हम उनको डिस्कार्ड करते हैं तभी सारे मेडिसिन आ जाते हैं। लेकिन आप रात को जवार, नाचनी, वीट या राइस जो भी आप खाएं उसमें घी होना बहुत जरूरी है। घी जरूर खाएं और घर पे बना हुआ घी खाएं आइडियली, क्योंकि घी जो है आपने आजकल देखा होगा बहुत सारे लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है और वो इस वजह से हो गई है कि जो अच्छे फैट्स है हमारे डाइट में वही हम लोग नहीं खाते हैं और फिर विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर आप घी जैसे अच्छे वाले फैट्स नहीं खाओगे तो आप कितना भी सन में खड़े हो जाओ आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। तो सनशाइन से भी अगर आपको विटामिन डी चाहिए तो आपके रेगुलर डाइट में घी होना जरूरी है। मैंने एक बार इंटरव्यू किया अक्षय कुमार का और वो ये कहते हैं कि वो 6 बजे से पहले अपना डिनर कर लेते हैं और उनकी ये राय है कि सूरज ढलने से पहले डिनर किया जाना चाहिए। आप सहमत हैं इसके, क्या फायदे हैं इसके? देखिए सनसेट के बाद ये तो जरूर है कि आपका डाइजेशन स्लो डाउन हो जाता है, तो जिन लोगों को ये पॉसिबल नहीं है कि 6 बजे तक आप डिनर कर लो तो फिर 6 बजे कुछ होलसम तो हमें ज़रूर खाना चाहिए। जैसे घी, जैगरी और रोटी, ये भी अगर हम लोग खा लें या रोटी और सब्जी अगर हम खा लें वो तो एक छोटे मील के तरह हम कहीं भी खा सकते हैं, तो रात को 9:30-10 बजे हम जो दबा के खाते हैं वो कम हो जाएगा। तो जिन जिन लोगों को ये पॉसिबल है कि आप 6:30-7 o'clock तक खा सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये पैटर्न फॉलो करना, और जिनके लिए ये पॉसिबल नहीं है वो इस समय ज़रूर कुछ होलसम मील खाए। पर ऐसे ये कहा जाता है भाई कि सुबह खाएं ब्रेकफास्ट अच्छा, दोपहर को भी खाएं, रात को कम खाएं, पर जब ये लोगों को मैं बताता हूँ ये सुझाव देता हूँ तो वो कहते हैं कि हम लोग थक के आते हैं, रात को दमदार नहीं खाया ठीक से तो वो थकान मिटती नहीं है उनकी। बिल्कुल, पर वो इस भी वजह से हम लोग कहते हैं क्योंकि आजकल हम लोग फूड को नरिशमेंट के तरह नहीं, हम लोग एंटरटेनमेंट के तरह उसको खाते हैं या उसको डिस्ट्रैक्शन के तरह खाते हैं कि दिन भर जो थकान है, दिन भर जो हमारे झगड़े हुए रहते हैं लोगों के साथ या बॉस के साथ जो कंप्लेंट्स है, जो ट्रैफिक में हम लोग पके हुए रहते हैं, वो सब कुछ भूलने के लिए हम लोग बहुत सारा खाना खाते हैं कि हम बस हमारा दिमाग चलना ही बंद हो जाए, तो वैसे नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल आजकल आप देखो सेडेंटरी जॉब्स में ही रहते हैं, बैठ बैठ के ही काम कर रहे हैं, तो इतने आप क्यों थक रहे हो? तो टाइम पे अगर हम खाएंगे, अगर लंच टाइम पे करेंगे या 6 बजे कुछ होलसम खा के ऑफिस में से अगर हम लोग निकलेंगे तो फिर हम लोग जब घर आएंगे तो थके हुए नहीं रहेंगे, तो फैमिली लाइफ भी हम लोग बेटर एंजॉय कर पाएंगे। तो छोटी चीज़ें अगर हम हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में बदले तो बहुत कमर का साइज भी बदल सकता है। कुल मिला के जो आपकी बात समझ में आ रही है वो ये है कि आप खाने के लिए काफ़ी तैयारी रखें, यानी अगर आपको सुबह केला खाना है तो आपने पिछली रात वो खरीदा हुआ होना चाहिए। अगर आपको 6 बजे जैगरी यानी गुड़, घी और रोटी खानी है तो वो आपके पास होनी चाहिए, आपको उसका इंतजाम होना चाहिए। yes. आप ये कह रही हैं? यस yes. आजकल ऑफिसेस में आप बड़े बड़े आईटी ऑफिसेस में देखिए बहुत बड़े उनके कैफेटेरियाज रहते हैं या कैंटीन्स रहते हैं या यंग लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो ये बताते हैं कि हमारे कैफेटेरिया में हम लोग कितनी टाइप के खाने हम आपको देते हैं, मेक्सिकन भी, इटालियन भी, स्पैनिश भी, लेकिन जो रीजन का रिप्रेजेंटेशन उधर रहता ही नहीं है। तो अगर आप हैदराबाद में खा रहे हो शायद आपको इडली पूड़ी ना मिले पर पास्ता ज़रूर मिलेगा, या अगर आप दिल्ली में खा रहे हो तो सीजन के टाइम पे आपको कुड़त पराठा मिले ना मिले लेकिन आपको सीरियल मिल्क ज़रूर मिलेगा। तो थोड़ा बहुत हमको रीजनल रिप्रेजेंटेशन भी हमारे कैफेटेरियाज में रखना चाहिए ताकि यंग लोग जो है वो सही टाइम पर खाए, अच्छा खाना खाए। नहीं तो आजकल यही हो गया है कि 25 पे हम लोग जॉब ले लेते हैं और 27 तक हमारा कम से कम 5-7 किलो वजन बढ़ा हुआ रहता है। इट नीड नॉट बी लाइक दिस, हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि घी और तेल में तली हुई चीज़ें बाहर ज़्यादा ना खाएं।
जहाँ तक हो सकता है घर पर ही खाए, लेकिन अगर घर पे पॉसिबल नहीं है तो लोकल आपका जो वेंडर है उसका बिजनेस सपोर्ट करने के लिए वहाँ जाके चाव से आप खाइए। क्या है कि आज अभी तक हम लोग फूड को सिर्फ इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कितना प्रोटीन है, इसमें कितना फैट है, इसमें कितना कैलोरीज है, इसी तरफ से देखते हैं। पर फूड जो है ये लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है, तो फूड को हमको देखना चाहिए हेल्थ के तरफ से कि ये मेरे हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करेगा, ये मेरे लोकल इकोनॉमी के लिए क्या कर रहा है और ये ग्लोबल इकोलॉजी के लिए क्या कर रहा है। तो जब हम फूड के बारे में हेल्थ, इकोनॉमी और इकोलॉजी के एस्पेक्ट से जब हम सोचेंगे तो सही खाना बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर आखिरी सवाल के लिए पूछूं तो बच्चों के लिए जो खाना है, हम लोग आजकल ये जो चिप्स खरीद के दे देते हैं और चीजें खरीद के इस तरह से दे देते हैं, बच्चों के लिए किस तरह का खाना हो? बच्चों के लिए वही खाना होना चाहिए जो माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी घर पे खाए। तो जब हम बच्चे पैदा करते हैं और उनको जब घर में बड़ा करते हैं तो इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि घर पर ही बना हुआ खाना उनको हम दें और कोई भी पैकेट वाली चीज हम उनको ना दें। और हम बच्चों के बारे में ये भी समझे कि इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट्स कॉन्स्टेंटली उनके तरफ टारगेटेड रहती है कि अगर बच्चा आपको चिप्स के लिए या चॉकलेट के लिए रो रहा है या टैंट्रम थ्रो कर रहा है तो उसे समझाए, उसे इग्नोर करे, लेकिन उसका इस वक्त मुंह बंद करने के लिए वो चॉकलेट या चिप लेके उसको ना दे। वो 10 मिनट रोए आपके लिए अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट उसकी जिंदगी भर के लिए सेहत अच्छी बनी हुई रहती है। थैंक यू ऋषभ देवेकर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो दो तीन बातें ये बता रही हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि ये कह रही हैं कि घर का बना हुआ खाना खाएं, दूसरा ये कह रही हैं कि पैकेट में जो खाना बन के आता है जिसमें प्रिजर्वेंट होते हैं वो ना खाएं, और मेरे ख्याल से सबसे अच्छी बात यह कि अपने दादा दादी, नाना नानी, उनसे संवाद रखें, उनसे पूछते रहें, उनको फ़ोन करते रहें। अगर आप भूल गए हों अभी तो आज ही फ़ोन कीजिए। रुजिता, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये है ABP News, आपको रखे आगे।